यूपी धर्मांतरण मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रालय ने इस मामले में आरोपी सरगना उमर गौतम से पूछताछ के आधार पर उससे संबंधित दो एनजीओ पर एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों एनजीओ की फंडिंग पर रोक लगा दी है, फंडिंग बंद कर दी गई है। तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। मंत्रालय ने इस मामले में आरोपी सरगना उमर गौतम से पूछताछ के आधार पर उससे संबंधित दो एनजीओ पर यह कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उमर गौतम जो धर्मांतरण के मामले में पकड़ा गया था, उसके जो एनजीओ थे उन पर एफसीआरए यहाँ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, विदेशी योगदान नियमन अधिनियम, उसको रद्द कर दिया है। यानी आप ये कहीं फंड नहीं ले सकते, विदेश में कोई सहायता नहीं ले सकते, तो ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा इसकी फंडिंग को बंद करने का जिस तरीके से सबूत मिले थे, अलग अलग विदेशी बैंकों से इनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था, और इसी को आधार बनाकर पूरी जो जानकारी है वो एमएचएस में भी शेयर की गई थी, गृह मंत्रालय को दी गई थी, और उसके बाद जब गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से जांच की तो साफ तौर पर इस बात के सबूत मिले कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग हो रही थी धर्मांतरण के लिए, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि कई और शहरों में धर्मांतरण के लिए ये लोग अपने बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो एनजीओ बनाया था इसलिए उसी एनजीओ के तहत ये पैसा विदेशों से ले रहे थे। तो आप ये एफसीआरए के तहत कार्रवाई की गई है, इनको रद्द कर दिया है, इनका जो हम कहें विदेशी फंडिंग का जो एनजीओ को मिला हुआ था, और साथ ही साथ फंडिंग बंद करने का एक बड़ा काम किया है। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला, जो इस मामले पर बड़ा अपडेट दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी उमर गौतम से संबंधित दो एनजीओ पर ये कार्रवाई की गई है और उनकी फंडिंग बंद कर दी गई। उधर प्रयागराज में जनसेवा केंद्र में लूट की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, 1,90,000 से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो केंद्र के अंदर घुसकर मारपीट कर पैसा लेकर फरार हो गए अपराधी। बदमाशों की करतूत जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के शंकर घाट इलाके का मामला। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की सनसनीखेज वारदात जनसेवा केंद्र की है। 1,90,000 से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। अब पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तो शिवकुटी थाना क्षेत्र के जनसेवा केंद्र का यह मामला। उधर बड़ी खबर, पंजाब के 3 खूंखार गैंगस्टर उत्तराखंड के काशीपुर से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई कई राउंड फायरिंग, तो बदमाशों से भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब के 3 खूंखार गैंगस्टर उत्तराखंड के काशीपुर से पकड़े गए हैं। तो आरोपियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई और बदमाशों से ऑटोमेटिक हथियार मिले, तो भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। देखिए, ये हमारे पास पंजाब पुलिस की जो ओपो यूनिट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट, उसकी सूचना थी कि वहाँ पे उनके जो गैंगस्टर्स है वो यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे। तो उसमें एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, एसटीएफ और ओपो के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन किया गया। इसमें हमारे जिला की पुलिस भी थी और इसमें हमें सफलता मिली। तो ये पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी करी है, और उनके क्या उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी उस पर काफ़ी आधा दर्जनों से उनके संगीन धाराओं में उनके ऊपर अपराध दर्ज है। वहीं माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक के खिलाफ 2 मुकदमों में आरोप तय किए हैं, और ये आरोप अलकमा सुरजीत दोहरे हत्याकांड और सूरज कली कांड में तय किए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक अतीक के खिलाफ दोनों एफआईआर में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया गया है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया है।
अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। वहीं दोनों मुकदमों में दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों को अतीक ने निराधार बताया है। डबल मर्डर केस में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में 26 जुलाई को भी सुनवाई होगी। उधर लखनऊ में इलाज के नाम पर मरीजों से धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर छापेमारी कर जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमों ने दुबग्गा, काकोरी, सीतापुर रोड, हरदोई रोड पर 24 से ज्यादा अस्पतालों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल सुविधाएं नहीं थे। कुछ जगहों पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र नर्सिंग और ओटी टेक्नीशियन का काम करते मिले। एक अस्पताल के ओटी में रखी फ्रिज में बियर की बोतलें भी मिली। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल का लाइसेंस 30 अप्रैल को ही खत्म हो चुका था। इस अस्पताल में 20 बेड की स्वीकृति थी जबकि जांच में 31 बेड पाए गए। इलाज और मरीज डिस्चार्ज केस रिकॉर्ड में भी बड़ी गड़बड़ी मिली। काकोरी हॉस्पिटल में ना ही डॉक्टर मिले और ना ही मेडिकल सुविधा दिखी। इलाज के नाम पर यहां सिर्फ 2 बेड पाए गए। हिंद हॉस्पिटल में कुल 12 बेड थे जिनमें से 4 बेड कॉरिडोर में मिले। मौके पर पंजीकरण में इस्तेमाल दस्तावेज नहीं दिखाया गया। नए खुले साधना हॉस्पिटल में बिना पंजीकरण के ही गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। सीतापुर रोड पर चंद्रा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस फिटनेस सर्टिफिकेट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क, डॉक्टर चेंज रूम और पोस्ट ऑपरेशन रूम भी नहीं थे। हिम सिटी हॉस्पिटल में आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली। यहां ड्यूटी पर BUMS डॉक्टर थे। अस्पताल के पास फायर NOC और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं था। वहीं बाराबंकी में रिजर्व पुलिस लाइन में दंगे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई पुलिस के हाथों में और वहां तमाम तरह के दंगा नियंत्रण उपकरण मौजूद रहे। दरअसल आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए ऐसा कदम उठाया है। खुद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक बारिश के पानी में भीगते हुए पुलिस वाले दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। इस दौरान एंटी राइड उपकरण, टियर गैस, मिर्ची बम, स्टन सेल और ग्रेनेड के साथ प्रैक्टिस की गई। यूपी सरकार के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और तथ्यों को गलत ढंग से पेश करके सरकार को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ देश भर के 151 बुद्धिजीवियों ने एक मंच पर खुला पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित तथा कथित बुद्धिजीवियों के कुछ समूह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यूपी सरकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने वाले ऐसे समूहों के विरोध में 151 बुद्धिजीवियों का जो समूह सामने आया है उसमें न्यायपालिका के अलावा शिक्षा क्षेत्र, सेना, पुलिस और सामाजिक सेवा के अलावा कई पूर्व अफसर भी शामिल हैं जिन्होंने अपने इस पत्र में कहा है कि यूपी सरकार के खिलाफ कई मौकों पर दुष्प्रचार करने वाले ये तथाकथित बुद्धिजीवी समूह कभी प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ होने वाली सख्त कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी गंभीर मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर निर्दोष साबित करने की कोशिश करने में रहते हैं। अपने इस खुले पत्र में इन 151 बुद्धिजीवियों ने ऐसे कई मामलों का भी जिक्र किया है और यूपी सरकार के खिलाफ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों के आरोपों को एक चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया। जिन 151 लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को चिट्ठी लिखी है उसमें 11 राज्यों के 21 पूर्व DGP और 7 राज्यों के हाई कोर्ट के पूर्व जज समेत पूर्व रॉ चीफ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर रखा गया था। कल्याण सिंह को लखनऊ के संजय गांधी PGI में 4 जुलाई को भर्ती कराया गया था। कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल पीएम मोदी भी लगातार लेते रहे हैं जबकि सीएम योगी ने कल अस्पताल जाकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना था। कल्याण सिंह का इलाज क्रिटिकल केयर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम कर रही है। ब्लड में इंफेक्शन को देखते हुए एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाइयों का कोर्स शुरू किया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। रुख करेंगे बड़ी खबर का। PCSJ 2018 में मॉडरेशन को चुनौती देने का मामला, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। आंसर शीट में ज्यादा, मार्कशीट में कम अंक देने के खिलाफ याचिका,
10% से ज्यादा वेरिएशन आने पर हो सकता है रिवैल्यूएशन। तो इंटरव्यू के बावजूद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, यह कहना याचिकाकर्ता का। तो यह बड़ी खबर प्रयागराज से। वहीं कानपुर देहात में सोमवार को हुए एक हादसे में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए जबकि 2 लोग बस में फंस गए। यह हादसा कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के बिहारी गांव के पास नेशनल हाईवे के पास हुआ, जब अहमदाबाद से कानपुर जा रही शताब्दी एक्सप्रेस बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर झांसी के मऊरानीपुर तहसील में राशन कार्ड न बन पाने की वजह से एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। पीड़ित महिला का कहना था कि वो पिछले 2 साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए अफसरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया तो उसने आत्मदाह करने का कदम उठा लिया। वहीं मुजफ्फरनगर में रिश्वत मांगते लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच उप जिलाधिकारी खतौली को दी गई है। दरअसल खतौली तहसील के लेखपाल रमेश चंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो प्लॉट की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं और 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तहसील खतौली के लेखपाल श्री रमेश चंद, जो मुजाहिदपुर क्षेत्र पे तैनात थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैमाइश को लेकर कुछ पैसे के लेन देन की बात कही जा रही थी। ये वीडियो SDM खतौली को भेजा गया, SDM खतौली ने उसका संज्ञान लिया और उनको आज जो है निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा से सामने आई है, जहां खंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 9 से 10 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद की है। शराब को फोम में छिपाया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां SOG और तिलहर पुलिस ने करीब 12 लाख रुपए की अवैध देसी शराब के 234 पेटियां बरामद की, साथ ही 8,58,000 रुपए कैश भी बरामद किया। इंसेफ्लाइटिस ने एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जिले में पांव फैलाना शुरू कर दिया। जिले में एक बार फिर से इंसेफ्लाइटिस के मामले बढ़ने लगे हैं। इस वक्त सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल के ICU पेडियाट्रिक वार्ड में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित 10 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से एक बच्चा वेंटिलेटर पर है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद हैं और जिला अस्पताल इंसेफ्लाइटिस की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब तक जिले में 22 से 24 मामले सामने आए हैं, जिसमें आधे बच्चे ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं श्रावस्ती से खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दारोगा थाने में आए एक फरियादी से अपने पैर दबा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला भिनगा कोतवाली के खरगोरा मोड़ चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी अपने पैर दबाते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं चौकी प्रभारी अपनी थकान थाने आए फरियादी से किस तरह से दूर करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में पुलिस का वो मानवीय चेहरा दिखाई दिया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहां शेरकोट थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कुंडा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तभी सड़क से गुजर रही CO ने पुलिस के साथ मिलकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिनमें बच्चे भी सवार थे। सभी घायलों को CO ने CHC में भर्ती करवाया। उधर महोबा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते यहां सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था बदहाल है। यहां कई एम्बुलेंस बिना AC के ही चलाई जा रही हैं। यहां कार्यदायी संस्था की ओर से 30 एम्बुलेंस सेवाएं दे रही हैं, लेकिन करीब 6 महीने से ज्यादातर एम्बुलेंस में मरीजों के लिए AC की व्यवस्था नहीं है।
जिससे मरीज कानपुर और झांसी के लिए बिना एसी के ही यात्रा करने के लिए मजबूर हैं और वो भी उमस भरी गर्मी में। वहीं अमेठी में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे के इलाज के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और बच्चे के परिवार को 20,000 रुपयों की सहायता राशि सौंपी। मामला अमेठी के शाहगढ़ ब्लॉक का है, जहां एक बीमार के बच्चे के परिवार ने बताया कि इलाज के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उनके पास पैसे नहीं थे, असमर्थता जताई, जिसके बाद राजेश अग्रहरि ने आगे आकर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये की मदद की और आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। बात मौसम की, पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इटावा में कल से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। सिविल लाइन्स इलाके में रेलवे अंडरब्रिज की तस्वीरें तो भयावह हैं। यहां सड़क पर इस कदर पानी जमा हो गया कि गाड़ियां डूब गईं, कई वाहन जहां के तहां बंद होकर खड़े हो गए, लोग उन्हें धक्का देने के लिए मजबूर दिखे। सरकारी अस्पताल का कैंपस जलमग्न हो गया जैसे कोई तालाब। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पानी में डूब चुकी गाड़ियों को, ऑटो को लोग धक्का देने के लिए मजबूर दिखे। दो दिन की लगातार बारिश में पानी पानी हुई शहर की सड़कें। रेलवे अंडरब्रिज का यह नजारा है जहां पर भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। उधर बिजनौर में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वो तेज कटान कर रही है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जो लोग उसी में आने को मजबूर हैं, आने जाने को। पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि दुकानें और घरों में पानी घुस गया। बारिश की वजह से पानीपत खटीमा राजमार्ग की सड़क और पुलिया भी धस गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देवभूमि में भी एक बार फिर से कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। पहली तस्वीर हरिद्वार से सामने आई, जहां मूसलाधार बारिश से सड़क पर सैलाब आ गया, तो वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने से करीब 15 से 22 घरों में मलबा घुस गया। रुद्रप्रयाग में दरकते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। चौथी तस्वीर टिहरी से है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित हो गया है। देहरादून में भारी बारिश से शहर में जलभराव हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हल्द्वानी में बारिश की वजह से काठगोदाम रानीबाग पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी में भूस्खलन से सड़क पर मलबा आ गया और कई घर तबाह हो गए, हाईवे बंद हो गए। और रुद्रप्रयाग में बारिश से एक बार फिर से अलकनंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। तो 8 अलग अलग तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कहीं बाढ़ कहीं बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए और लोगों का जीना मुहाल हो गया। उधर टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। टिहरी के मेड़ गांव में बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बालगंगा तहसील के मेड़ गांव के ऊपर बादल फटने से भगदड़ मची, करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया। अभी एक शख्स के जख्मी होने की खबर भी मिल रही है। हालांकि किसी बड़ी जनहानि की बात सामने नहीं आई है, मलबा गिरने से सिर्फ खेत क्षतिग्रस्त हो गए। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और पानी के तेज बहाव को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात थे। हालांकि अभी किसी बड़ी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एक शख्स प्रभावित हुआ है। एक शख्स को बादल फटने से अफरा तफरी हो गई, कई घरों में मलबा पहुंच गया। एक शख्स के घायल होने की अभी खबर मिली है। तबाही की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पानी के तेज बहाव से मलबा लोगों के घरों तक पहुंचा। तो सिर्फ टिहरी ही नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से तबाही आई है। अब आपको उत्तरकाशी की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां बादल फटने से कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला है। ये 3 तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां बेकाबू बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। तो नीराकोट और कंकराड़ी में बादल फटा, घरों में बारिश का पानी घुस गया। तो लोगों के घरों के अंदर तक बारिश का पानी घुस आया, जिससे
भारी नुकसान हुआ और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। वहीं मसूरी में भी भारी बारिश से भूस्खलन हुआ है। मसूरी सुबह कोली धनोल्टी रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। बारिश के कारण मकान भी खतरे की जद में है। तो दो तस्वीरें, कई मकान खतरे की जद में आए मसूरी धनोल्टी मार्ग में। वहीं मलबा आने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया, तो लोगों को घंटों सड़कों पर ही इंतजार करना पड़ा। गाड़ियां रेंगती नजर आईं, तो बारिश की वजह से मकान भी खतरे की जद में आ गए। मसूरी के सुबह कोली धनोल्टी रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार वहां पर गाड़ियों की लगी हुई है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो कई मकान भी खतरे की जद में आए और लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है।